But in the end, we are only responsible for our happiness. No other person is responsible for our happiness, ठीक है ना? और ऐसा कुछ नहीं है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प करो, लेकिन जो आपको पर्सनली हर्ट करे, आपके डोम में, आपकी लक्ष्मण रेखा में एंटर करे, ठीक है ना, उसको भगा दो, ठीक है ना। एंड ऐसा क्यों कहते हैं कि कांड कांड क्या होते हैं, कांड कांड ही कांड हो गया, कांड हो गया, कांड हो गया, ठीक है। ये भी सब इतिहास से तो निकल के आए हैं, वर्ड रामायण उठा कर देखो, 7 कांड जो हुए थे, समझ रहे हो, 7 कांडों का वर्णन किया हुआ है। एंड लॉर्ड राम की लाइफ आप देखो, कोई अच्छी थी लाइफ नहीं, कितनी सिचुएशंस उन्होंने फेस करी हैं, और ये इस बात का सबूत है कि भगवान जी भी धरती पर आए हैं, उनकी भी कुंडली है, उनको भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, अगर एक इंसान पैदा हुआ उसकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी तो वो अपने आप को भगवान ही समझने लग जाएगा, सही है ना। लेकिन राम जी की लाइफ में इतने इश्यूज थे, लॉर्ड राम की लाइफ में, लेकिन हम उन्हें क्यों जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने उसूल कभी नहीं छोड़े, अपने सिद्धांत कभी नहीं छोड़े। भगवान थे, वो जो चाहे कर सकते थे, लेकिन वो अपने उसूलों पर चले, समझ रहे हो। अब जब उनको ब्रिज पार करना था, जब उन्होंने ब्रिज बनाया था, वो राम जी का नाम लेके सबने स्टोन्स फेंके थे, वो ब्रिज बन गया था, उससे पहले पता है क्या हुआ था, राम जी को जल्दी थी पहुँचने की वहाँ लंका, है ना, लंका कांड जो हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पहुँचने की जल्दी थी। उन्होंने कहा था समुद्र से, भगवान जी थे वो, तो ए समुंदर तू सूख जा, कह सकते थे वो, ठीक है, ऐसी बात हुई भी थी जहाँ तक मैंने सुना है। लेकिन समुंदर ने कहा कि देखो हम 5 तत्व हैं, एंड हमारा काम ऐसे ऐसे है, आप हमें सुखा के जो है नियम के खिलाफ जा रहे हैं, एंड आप तो भगवान जी हैं, आप कहेंगे हम कर भी देंगे। राम जी ने क्या कहा, नहीं ठीक है, आपकी बात सही है, हम कुछ नहीं कह रहे, हम अपना तरीका निकालेंगे, समझ रहे हो। तो उसूल बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी में कोई उसूल नहीं है, एंड आप उसूल अगर कुछ कोई आपके नहीं है, एंड आप उसकी बात करते हो, प्यार की बातें करते हो, एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, ठीक है ना, और अपने माथे पर लगा हुआ टीका हमें नहीं दिखाई देता, सामने वाले को दिखाई देता है कि नहीं, और केवल टीका लगाने से, पीला टीका लगाने से और पीले कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। एंड त्याग क्या होता है, वॉट इज़ त्याग। फूल अगर कुछ कोई आपके नहीं है, एंड आप उसकी बात करते हो, प्यार की बातें करते हो, एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, ठीक है ना, और अपने माथे पर लगा हुआ टीका हमें नहीं दिखाई देता, सामने वाले को दिखाई देता है कि नहीं, और केवल टीका लगाने से, पीला टीका लगाने से और पीले कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। एंड त्याग क्या होता है, वॉट इज़। मैं किसी को पर्सनल कोई अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमने त्याग कर दिया है, हम तो योगी बन गए, हम तो योगी नहीं बन गए 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, व्हाट इज दिस। त्याग उस चीज़ का होता है जो तुम्हारे पास में है, ठीक है। हमने सब त्याग दिया, हमने अपनी फैमिली त्याग दी, हमने पैसा त्याग दिया, हमने करोड़ रुपए की जायदाद त्याग दी, हमें पैसा त्याग दिया, तुम पे था जो तुमने त्याग दिया, केवल बातें करने से नहीं होती हैं बातें, ठीक है ना। त्याग उस चीज़ का होता है जो तुम्हारे पास में है, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा किसी चीज़ का त्याग करो, मैं सब कुछ करूँगा, मैं सब कुछ इन्जॉय करूँगा, लेकिन सही और गलत में डिफरेंस होता है, ब्लैक एंड वर्ड वाइट में फ़र्क जानना सीख लो। काम ऐसा करो जो गोली को भी गोली दे दो, ठीक है, गोली को भी गोली दे दो, ऐसा काम करो। और बहुत सिंपली सिंपल है लाइफ, ठीक है ना। एक बात बताओ, ये आप प्यार लव ये सब सोच रहे हो, मैं क्या कहता हूँ कि बाहर ट्रैवल करके आओ, ठीक है, घूमो, ट्रैवल करो, ये करो, वो करो, ठीक है। आप गए बाहर पार्क में, पेड़ के नीचे बैठे आराम से, लेकिन आप पेड़ के नीचे बैठ के भी वही सोच रहे हो, उसका मैसेज नहीं आया, उसका कॉल नहीं आया, एंड उसने बात नहीं करी, अब मैं क्या करूं, एंड उसका रिवर्ट नहीं आया, एंड मैं मैसेज कर देता हूं या मैं मैसेज कर देती हूं, क्या पता ये हो जाए। माइंड दिमाग तो आपका वहीं का वहीं है ना, सही है। इस जो हमें ये नई टेक्नोलॉजी मिली है, वाईफाई राहू, मैं यहां बैठ के सबसे बात कर सकता हूं आप लोगों से, समझ रहे हो, उसका पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव वे में आप यूज़ करो, आप समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना। हाथ में आपके कुछ भी दे दो, उसका गलत यूज़ करना होगा तो आप वही करोगे, ठीक है। और जिस इंसान के पास पैसा है और वो इंसान गलत है, वो गलत ही काम करेगा, समझ रहे हो। पैसा आने से ना इंसान की फितरत नहीं बदलती है, वक्त बदलता है, इंसान की फितरत नहीं बदलती है, इंसान वही रहता है, समझ रहे हो। एस्ट्रोलॉजिकली देखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन हर चीज़ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, मैं कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल सीरियस। अभी मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ रखा था कि आप वशीकरण भी कराते हैं, मैंने कहा यार ये मैंने कहाँ बोल दिया, एक जगह नहीं बोला मैंने कुछ भी कि वशीकरण करवाते हैं, मैं कहा नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बताओ आप कितने पैसे लोगे, मैं कहा मैं कराते ही नहीं, मैं पैसा चाहिए ही नहीं। आधे ने कोराया, मैंने वैसे जस्ट फन रील मैंने बना कर डाल दी, ठीक है, जस्ट नाइस सॉन्ग
एंड ट्रेंडिंग सॉन्ग था, सो आई थॉट टू मेक अ रील एंड मैंने लिख दिया हम हर तरीके का शादी और डाइवोर्स कराते हैं, ब्रेकअप पैचअप ऑल्सो इंक्लूडेड, उस पर मैसेज आ रखे हैं तो सारे कि आप डाइवोर्स भी कराते हैं क्या? हमारा डाइवोर्स शादी के लिए नहीं आया था ना मैसेज, हमारा डाइवोर्स करा दो, समझ रहे हो? शादी क्यों करी फिर, शादी क्यों करी जब तुम्हें, क्योंकि नहीं पता वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं थी, तुम्हें उसकी डिज़ायर थी, तुम्हारे को उसकी नीड थी, वो चीज़ जब तुम्हें मिल गई तुम उसकी कदर नहीं है। और ये दिमाग का खेल है, दिमाग बहुत चालबाज है, दिमाग आपके साथ चाल चलता है, ठीक है? वर्ड्स के आपको मतलब समझ, कहता हूँ माइंड को अपने बिजी रखो, फ्री डाइट प्लान्स वगैरह सब अवेलेबल है, ठीक है? मैं नहीं कह रहा मैं कोई साधु आदमी हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट इल्यूजन राहू एंड मेरे से कोई अटैचमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे पता है मैं काउंसलिंग करता हूँ, मैं बात ऐसे करता हूँ एकदम डीप डाउन, मेरा काम है कट ओपन एंड डिग डीप, दिमाग को आपके कट ओपन करके खोलता हूँ, अंदर तक डिग करता हूँ, ठीक है? इट हो जाता है कि लिटिल बिट अटैचमेंट्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है ना? एंड लेकिन मेरे को पता है मैं दोबारा बात नहीं करता, मुझे पता है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, अब कोई इशू है, कोई मेजर इशू है मुझे बताना, मैं पताल से भी निकाल के ले आऊँगा अगर आप मेरे सेव हो, यू आर माई अपन, ठीक है? एंड मैं किसी से नहीं मिलता, ठीक है ना? इतनी क्षमता रखता हूँ कि यहाँ ही बैठ के सबको सब कुछ बता सकूँ, और मैं चाहता हूँ आप भी वैसे ही बने, ठीक है? मेरा काम आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाना नहीं है, आप पूछोगे मैं बताता रहूँगा एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, मेरा काम यह है कि एस्ट्रोलॉजी को सीरियसली मत लो, ठीक है? मेरा काम आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, जो चीज़ आप स्कूल में कॉलेज में कहीं नहीं सिखाई गई वो चीज़ सिखाना मेरा काम है एंड वो मैं सिखा दूँगा, ठीक है? कोई नहीं, मैं यहीं पे सिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं जब मैं काम की बातें करता हूँ, मैं काम की बातें करता हूँ, देन कभी मेरा फ़न मूड होता है, मैं रील्स वगैरह बनाता रहता हूँ, इस ठीक है, क्योंकि फ़न बहुत ज़रूरी है, इन्जॉय करनी है ज़िंदगी, मैं सब कुछ करूँगा ट्राई, ठीक है? लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ मैं अपने पास नहीं रखूँगा जो मेरे मेंटल लेवल को डिस्टर्ब करे, मुझे यहाँ पे इशू पहुँचाए, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, देन समवन कोई मतलब 100-500 हज़ार में से कोई एक आता मेरे पे भी अटैक कर देता है, तो ठीक है, आपको अटैचमेंट नहीं है किसी से, सी आपको अटैचमेंट और डिटैचमेंट का मतलब नहीं पता है, ठीक है? आप इसी साइकिल में अटके रह जाओगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत चालबाज है दिमाग, वो आपकी नीड है, आपकी डिज़ायर है, दोनों के पास नहीं है, ठीक है? मांग रहे हो आप, मांग रहे हो क्या, हो भिख मांगे हो बताओ, सॉरी। और प्यार क्या होता है, ठीक है? इट्स अ, मैं तो देख लव और अटैचमेंट बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है? और इट्स अ टोकन ऑफ लव, ठीक है ना? इफ समवन सेज ठीक है बाय, टेक केयर, लव यू, लाइक ओके लव यू मोर, बाय, ठीक है? इट्स अ टोकन ऑफ लव, ठीक है? एंड अगर किसी ने कोई कम्युनिकेशन करी उसको ही तकलीफ ले जाती है उसने, तो मेरे को ऐसे बात करी उसने, को मैसेज आया, रिप्लाई किया, ये करा वो करा, प्यार से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नॉर्मल, इट्स अ टोकन ऑफ लव, ये सबके साथ होना चाहिए, ठीक है? एंड धर्म की अगर बात करें, भगवान की अगर बात करें, धर्म किसने बनाया है? तो ये इंसानों ने बनाया है, भगवान ने क्या बनाया था, इंसान बनाए थे, इंसान की वैल्यू करो, ठीक है? मुझे कोई मतलब नहीं है कोई किसी भी रिलीजन का हो, जो मेरे साथ है वो मेरे साथ है, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ है, साफ सीधी बात है, ठीक है ना? मेरा ना वो मेरा सेब है, और ठीक है, कुछ उसूल होना चाहिए, मेरे भी उसूल हैं, बात करता हैं तो हैं, मैं तो फूल की तरह हूँ रोज़, आई एम लाइक रोज़, एंड यहाँ लिखा है, ये देखो ये लिखा बड़ा बड़ा, ऑल और नथिंग, ठीक है? ऑल और नथिंग, क्लियर? रोज़ की तरह की हूँ, ठीक है? एक फूल का काम क्या होता है, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो शमशान घाट में हो, चाहे वो शादी में हो, चाहे वो पार्टी में हो, एक फूल का काम होता है खुशबू फैलाना, और बस खुशबू फैलाओ, लेकिन कांटे भी हैं, ठीक है ना? कांटे भी हैं, कोई फालतू बोल चुबो तो कोई दिक्कत नहीं है, माला और भाला। और किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि हमें दूसरे धर्म की बेइज्जती करनी है या डिसरिस्पेक्ट करना है दूसरे धर्म को, ठीक है? ये तो आप सब खुद ही क्रिएट कर रहे हो ना, आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते फिर रहे हो, भिड़ते फिर रहे हो, क्या फ़ायदा है? ये ज़िंदगी भी ऐसी चले जाने वाली है, कितनी लंबी ज़िंदगी है, ग्रंथों में 100 साल की ज़िंदगी लिखी हुई है, मैं वो जी के जाऊँगा, ठीक है ना? मैं क्यों कहता हूँ डाइट प्लान फॉलो करो, वर्कआउट करो दिन में, अपनी अपने लिए आप आधा पौना घंटा नहीं निकाल सकते दिन में, समझ रहे हो? अपनी बॉडी के लिए जब पता लगेगा 45-50 के हो जाओगे, जब 50 पे खाट पकड़ लोगे, 60 पे खाट जो भी है, वैसे जल्दी पकड़ लोगे जैसे आपसे हालात चल रहे हैं आजकल, जो
लाइफस्टाइल है। एंड सब्जियों का क्या सीन है पता है, सब्जियों का सब्जियाँ एक तो ऑर्गेनिक नहीं मिलती ठीक है ना, और दूसरी बात जब घर पे लेके आते हो उनको पकाते हो, इनको पकाने के बाद उनका 70-80% न्यूट्रिशन जो है मर जाता है पकाने के बाद। अरे आज तो ये सब्जी बनी है, अरे इसमें जान होती है, अरे इसमें क्या जान होती है। एंड देन कोई कोई मुझे भी समझाता है कि आप क्या खाते हो ये, ठीक है जो मैं खाता हूँ एटलीस्ट मुझे न्यूट्रिशन दे रहा है वो ठीक है। एंड कोई सब्जी वगैरह पका, बॉइल्ड खाओ, बॉइल्ड सब्जियाँ खाओ, सब्जियों में न्यूट्रिशन है, उनको पका के मसाले डाल के सब ख़राब कर देते हो ठीक है ना। सोडियम क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है, क्या करना है, कैसे करना है ठीक है, ये सब भी आप पूछोगे मैं आपको डिटेल में बता दूँगा ठीक है। लेकिन ऑस्टली बेसिकली ये एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, मैं एस्ट्रोलॉजिकल ही बात करता हूँ। एंड ऑब्वियसली कुछ भी पूछोगे आई विल टेल। तो छोटी सी जिंदगी है, किसी से कोई भेदभाव नहीं रखना ठीक है, और जो फालतू बोले उससे बात नहीं करनी, और अगर निकलो निकलो कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं करनी बात, हमें मतलब ही नहीं है। वो रील का डायलॉग है ना, वही है ना, एक साफ कोई दो बार नाटस साफ को ठीक है ना, किसी से एक बार मन उठ गया दोबारा तो बात ही नहीं करनी, क्यों करें हम। एक बार जिस इंसान ने आपको धोखा दे दिया उसकी क्या गारंटी है दोबारा नहीं देगा, और ऐसी कोई रेमेडी नहीं है जो आपके एक्स को वापस ले आए, और जो एक बार चला गया वापस आ भी गया क्या गारंटी दोबारा नहीं जाने का या जाने की, ठीक है। ऐसे नहीं बनते रिश्ते, ऐसे नहीं होता अटैचमेंट ठीक है ना। जब तक पैसा है, जब तक सब कुछ है, सब आपके साथ है, आप खुद देख लेना, खुद सोचोगे जब कोई सिचुएशन क्रिएट होगी, कोई नहीं खड़ा मिलने का, कोई नहीं खड़ा पाने का ठीक है। मैं तो उसी सिचुएशंस में जाता हूँ ठीक है, मगर जब कोई ना काम आए, जब कोई ना दिख रहा हो, जब कोई ना समझ में आ रहा हो, मुझे याद कर लेना। अगर तुम वन ऑफ माई ऐप पहले हो, मैं कहीं से भी पाताल से भी निकाल के ले आऊँगा, इतनी क्षमता रखता हूँ, इतने कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, क्योंकि मैंने दोस्त नहीं बनाए, मैंने रिश्ते बनाए। एंड देन यू गो टू टेम्पल वगैरह जाते हो, कीर्तन करते हो, सत्संग करते हो, मैंने बताया सत्संग क्या है, अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोगों का संग ही सत्संग है, पूजा पाठ करते रहो, मंदिरों में जाते रहो, समझ रहे हो। इट्स योर श्रद्धा, आपकी इच्छा है, आपको करना है करो, भगवान आपके अंदर ही ठीक है ना, और भगवान नहीं करता मुझसे डरो, भगवान के पास जाकर कुछ मांगना भी नहीं है ठीक है ना। और जाते हो जैसे तो क्या 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 मंदिर जाके क्या प्रार्थना करते हो, माँ हमें ना चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे तेरे दिल में एक छोटा सा कोना है, ये आप जाके प्रार्थना कर रहे हो और टीका लगा कर रहे हो जी हमने तो आज पूजा कर वहाँ से आके क्या सीन है, मेरे पैसे को क्या हुआ, ये पैसे कमाने हैं, समझ रहे हो। अभी तो तुम्हें धन और दौलत चांदी सोना कुछ नहीं चाहिए था, माँ के दिल में एक छोटा सा कोना चाहिए था है ना, देन आपको अब तुम्हें सब कुछ चाहिए, तो समझ रहे हो। दिमाग नहीं स्टेबल है, दिमाग को ही कंट्रोल में करना है। देखो सच्ची बात है, कहीं लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन कहीं पर जैसे एक मैं बात बताऊँगा आपको, जो फैक्ट बात है, ये हेडफोन है ठीक है, और ये बने हैं ठीक है ना, ये बना के मैंने कान, ये तो बना दिए ना, लेकिन अब मैंने कान पे लगा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये माइक है, मैं बोल रहा हूँ, इससे जो मैं काम कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी पुट ऑन कर रहा हूँ इन चीज़ों पे ठीक है, वो है। सेम वे भगवान की मूर्ति बनाने से खाली ठीक है, उसके अंदर भगवान नहीं आ जाते, कि कहीं भी आपने भगवान की मूर्ति बना के लगा दी एंड अब वहाँ पे भगवान का वास है, वहाँ भगवान को लाना पड़ता है, उसके लिए तपस्या लगती है, उसके लिए मेडिटेशन लगती है ठीक है ना, और वो हर कोई नहीं कर सकता ठीक है। तो मैं तो नहीं जाता हूँ किसी आसपास मंदिर में ठीक है, जो मुझे बताया कि हाँ ऐतिहासिक मंदिर है, इतने साल पुराना है, उसकी हिस्ट्री है, यहाँ भगवान जी पर्सनली आए थे ठीक है, वहाँ जाता हूँ मैं ठीक है, डेली बेस पर मंदिर भी नहीं जाता हूँ मैं ठीक है ना, मुझे पता है ठीक है। 10 मिनट में घर बैठ के ओम नमः शिवाय का भी जाप कर लूँगा, वो मेरे लिए इनफ है। और ठीक है आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी भगवान में आप मानते हो, 10 मिनट बस अपने भगवान से 10 मिनट प्रार्थना कर लो ठीक है, और भगवान के पास इतना है जो किसी एस्ट्रोलॉजी में किसी के पास, किसी भी पर्सन के पास नहीं है, इतनी बैंक में से आपको इतना निकाल के दे देंगे। एंड ठीक है मुझे तो जो मैसेज आते हैं वो कई बार ऐसे भी लगता है कि हमें अच्छा पैसे वाला हस्बैंड मिलेगा, हमें ऐसे पैसे वाला पत्नी मिलेगी, ये व्हाट इज़ दिस ठीक है ना। पैसों से प्यार है क्या तुम्हें, या तो तुम्हें पैसों से प्यार है या तुम्हें प्यार चाहिए, ग्रीडी हो तुम। और मैं रिप्लाई नहीं करता, मैं खाम का आर्ग्यूमेंट होगा दिस एंड दैट ठीक है, मैं सेशंस वगैरह भी ज़्यादा नहीं लेता ठीक है ना, कि मुझे पता है मैं सुना दूंगा ठीक है। मैं जो बात बोलूँगा सच्ची बोलूँगा, फिर आपको हर्ट हो जाएगा, एंड मैं चाहता हूँ हर्ट होगी जब भी आप चेंज होगे अपने आप को, अपने जो दिमाग में कचरा भरा हुआ है वो चीज़ निकलेगी आपके दिमाग से ठीक है। और पैसा क्या है, काम पर फोकस करो, पैसा तो पीछे पीछे आए।